आपका अपना चहेता चैनल समाचार प्लस सिर्फ खबरों में ही आगे नहीं रहता बल्कि समाज के सरोकार और देश की संस्कृति को बचाने बढ़ाने के हर मुहिम में सक्रिय रहता है। ऐसा ही एक अभियान रविवार को दिल्ली के हिंदी भवन में शुरू किया गया, मशहूर कवि और गीतकार संतोष आनंद की मदद करने का, और हमें गर्व है कि समाचार प्लस भी इस अभियान का हिस्सा बना। कभी माया नगरी में चमकने वाला ये सितारा आज मुफलिसी के साए में रहने को मजबूर है, लेकिन आवाज की खनक आज भी बरकरार है। मेरे प्यार को वो अपना प्यार मानते हैं, इसलिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मुझे प्यार करते, मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ। आज के जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, तमाम लोग समाचार प्लस जो हमारा चैनल है, डीएस ग्रुप है, तमाम और भी ग्रुप थे जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनके इस रोल पे क्या कहेंगे? साहब वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े दिल के लोग हैं। उनको ये लगा कि संतोष आनंद कहीं अपने आप को अकेला तो नहीं समझ रहा, तो संतोष आनंद किसी के पास जाता नहीं है, किससे कुछ मांगता नहीं है, कुछ अपनी मेहनत से जो कुछ भी कर सकता हूँ आज इस उम्र में भी कर रहा हूँ। लोग अलग अलग मुद्दों पे काम करते रहे हैं, कभी मजदूरों के बच्चों के लिए, कभी विकलांग बच्चियों के लिए, जिसे कनेक्ट किया कि उनके घर में भी तो हादसा हुआ, उसके बाद उनको हादसे से उबारने का प्रण लिया मैंने। वो एक द लीजेंड है हमारे लिए, लिविंग लीजेंड है, और एक दर्द में है, देश की धरोहर हैं, तो हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे फिर से मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात है कि समाचार प्लस आपका हमारे साथ खड़ा है, पिछले प्रोग्राम में भी था, इस प्रोग्राम में भी था, मतलब इस प्रोग्राम में भी है। समाचार प्लस के साथ मिलकर ऐसी हुई हों चलाते रहेंगे,